ये किडनी, आज पूरे भारत में किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, लोग डायलिसिस करा रहे हैं और ट्रांसप्लांट की नौबत आ रही है। तो ये पानी का टब जो आपके सामने आप देख रहे हो, लगभग 40 डिग्री 41 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर इसमें आधा घंटा से 2 घंटा बैठना होता है, यही किडनी काम करना शुरू कर जाती है, किडनी ग्रो कर जाती है। हमारे पास रिसर्च पेपर भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं, आपको दिखाता भी हूं, समझाता भी हूं और लोगों से मिलवाता भी हूं। जैसे यूएस का एक रिसर्च पेपर है, इसराइल और यूएस ने रिसर्च करी कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि किडनी कैपेबल है, अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। ऐसे ही ये एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर है कि अडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो रीमॉडल देन सेल्फ, यानी कि किडनी अपने आप को रीग्रो कर सकती है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि क्यों हमसे ये झूठ बोला जाता है कि किडनी ठीक नहीं हो सकती और लोगों को डायलिसिस पे डाल दिया जाता है। ये भाई साहब भी डायलिसिस करा रहे थे, इन्हीं से पूछ लेते हैं कहां से आप आए और आपको क्या फायदा हुआ है। उत्तराखंड से आया हूँ। आपको डायलिसिस चल रहा था आपका हाँ जी सर, कब से, कितनी जनवरी से बार हफ्ते में? 3 बार। यहां पे आए कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए, 5 दिन में कोई डायलिसिस हुआ? नहीं हुआ। क्या कहना चाहोगे देश के लोगों को आप? ठीक है, बढ़िया हो रहा है। पहले से बढ़िया हाँ है? हाँ ये पानी के टब में आराम बैठते है। हो, हाँ पसीना निकलता है, किडनी ग्रो करती है, ये सुना है लोगों से भी आपने? थोड़ा थोड़ा सुना था पहले तो। यहां पे जिन लोगों से मिले हो कुछ तसल्ली हुई कि सही जगह आ गया? सही जगह आए हुए हमने आपसे भी। तो ये हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आप हैं, हम मैं हूं आज, और ये आपके सामने लोग टब में बैठे हैं और अपना इलाज कर रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और भी पेशेंट से मिलते हैं और उनके एक्सपीरियंस जानते हैं। इधर इनसे बात करते हैं। आप कहां से आप आए हो, क्या तकलीफ थी सर आपको, मैं बिहार से आया हूँ। क्या तकलीफ थी मेरा आपको? किट 9, 10.10, 4 बढ़ गया था। ठीक है, इस यहाँ पे आया, मैं जो यहाँ का रूल नियम फॉलो किया तो मेरा 8 पॉइंट कुछ हो गया, किडनी मतलब घट दो गया पॉइंट ट्रीटमेंट कम हो गया, कितने दिन जी, में? 6 दिन में। अच्छा, इसके अलावा आपको अपने आप को क्या फर्क है? हमको आपके बहुत महसूस हो रहे थे, यहाँ पे जो इलाज हो रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा। जो मनीष जी आचार्य साहब हैं उनके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ, और जो देशवासियों के लिए बोल रहे हैं वो भी यहाँ पर आकर और इलाज कराए, बेहतर है, यहाँ से ठीक होकर जाइएगा, बस रूल और नियम यहाँ का। आपको जो किडनी का इतना क्रिटाइन हुआ, तो जब आप एलोपैथी में गए उन्होंने क्या सर बोला? हम कहीं नहीं गए, अच्छा, आप कहीं गए ही नहीं, नहीं, पहले सिस्टम पर हम यहीं आए, सीधा आप यहीं आ यहीं गए। हम आए। अगर उधर जाते तो वो क्या बोलते मेरा कहता था ट्रांसप्लांट करा लो, और किडनी डायलिसिस डायलिसिस करा करा लो, लो। वो इधर दिमाग चला नहीं, हम लेते किसी हैं। ने, मैं फर्स्ट बार यहीं पर गाड़ी पकड़ा, मैं सीधा चलो, सीधा शुक्र है बिहार आ भगवान का, गया। आपको आयुर्वेद भरोसा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी और हमारी किडनी, ये शरीर के अंदर का हिस्सा ही किडनी है, बस हमें अपनी गंदगी को निकालने का तरीका सीखना है और इस किडनी को रिजुनोवेट करना है। तो ये हमारी हॉस्पिटल की दवाइयां हैं, ये लाल पीली हरे रंग की हमारे हॉस्पिटल की दवाइयां इस तरह की दिखती हैं, और ये हमारे हॉस्पिटल का की सबसे बड़ी गोली है, ये हमारे हॉस्पिटल की छोटी गोली कह सकते हो इसको आप। तो ये फ्रूट्स, ये सलाद और ये मिलेट्स, यही डाइट है, यही लाइफस्टाइल हम अपनाते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, कोई पेशेंट की रिपोर्ट्स भी मेरे हाथ में है। ये एक पेशेंट है जिनकी किडनी 0.3% काम कर रही थी, ध्यान से देखिए, 0.391 किडनी काम कर रही थी, और ये रिपोर्ट है 12 जनवरी 2022 की, और ठीक 3 महीने बाद इसी पेशेंट की किडनी 9% काम कर रही है, यानी कि किडनी ने 30 गुना काम अपना बढ़ा दिया, और ये रिपोर्ट है आपकी 18 अप्रैल 2022 की। तो ये डीटीपीए स्कैन है। मैं सभी किडनी के सीकेडी पेशेंट को बोलना चाहूंगा, डीटीपीए स्कैन जरूर कराया करो ताकि आपको पता चले किडनी कितने परसेंट काम कर रही है, कितने एमएल खून साफ कर रही है, और आप 3 महीने बाद उस टेस्ट को दोबारा कराओ, यही गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन आपको क्रिटिनाइन और यूरिया के ऊपर डाल दिया जाता है। और एक और दूसरी बात, जितने भी किडनी के, लीवर फेल के, कैंसर के पेशेंट हैं, आप लोग एक चीज और सुन लीजिए, आयुर्वेद में अगर आप 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपके इलाज रिम्बर्समेंट, यानी कि इलाज आपके पैसे वापस मिल जाते हैं, और अगर आप SBI की आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे तो आपका इलाज हमारे हिम्स हॉस्पिटल में, जहां जहां हिम्स है वहां फ्री हो सकता है, लेकिन आपके पास आयुर्वेद वाली पॉलिसी होनी चाहिए, और 3 से 5 हजार रुपए में आपके 3 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है। तो सरकार आपकी मदद करना चाहती है, आयुर्वेद आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। और मिलते हैं, हमारे साथ एक भाई साहब हैं, आप ही बताइए सर कहाँ से आप आए और क्या प्रॉब्लम थी आपको? सर मैं अम्बाले से आया हूँ, मेरा नाम जसविंदर सिंह है सर। क्या तकलीफ थी आपको? सर क्रिएटिनिन लेवल 7.20 था और आप जब उधर गए तो क्या बोला गया आपको? सर, मेरे को डायलिसिस के लिए बोला था सर।
डायलिसिस के लिए बोला गया सर, और जब डायलिसिस दुखी हुआ तो ट्रांसप्लांट करा जी, ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन आपने करवाया फिर? नहीं सर। आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने बताया सर रिम्स के बारे में। ठीक है, तो अभी आपको कितने दिन हो गए हमारे आए हुए? सर मेरे को 5 दिन हुए सर। 5 दिन में आपको 19-21 कोई अपने आप कोई हल्कापन कोई फर्क लगा? सर मेरा क्रिएटिनिन 7.20 से घटकर 5.6 आ गया सर। वेरी गुड, यानी कि 1.5 पॉइंट क्रिएटिनिन कम हो गया, जो उधर तो होता ही नहीं, उधर नहीं होता सर। ओके, और उसके अलावा क्या फायदा हुआ? उसके अलावा सर काफी सर जो डाइट के अंदर चेंजेस हुए सर, बॉडी के अंदर हल्कापन एनर्जेटिक फील कर रहे हैं सर, चुस्ती फुर्ती बढ़ गई है। मतलब आपको भरोसा है कि मैं सही जगह आ गया? जी जी सर। तो भगवान को भी धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू सर, हिम्स हॉस्पिटल सर। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा ये पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग एरिया से लोग आए हैं, वो भाई साहब दिल्ली से आए हुए हैं, आर्मी से हैं, ये अलग जगह से आए हुए हैं, ये अलग जगह से आए हुए हैं। एक और है मेरे साथ, इनसे भी मिलते हैं, जानते हैं कि इनको क्या तकलीफ थी, अभी क्या बेनिफिट हुआ। आप कहाँ से आए हो? चंदौसी से। चंदौसी से, क्या तकलीफ थी आपको? एक साल में 5 बार डायलिसिस हुई थी और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल रखा था। ओके, कितना खर्चा बताया आपको? 15 लाख का। और अभी आपको हमारे हॉस्पिटल में कितने दिन हो गए? 3 दिन हुए। 3 दिन में कुछ 19-21 का फर्क लग रहा है? 3 पॉइंट क्रिएटिनिन कम हुई है। कितना क्रिएटिनिन था आपका? 19.5 था, आज 16.3 है। 19.5 से क्रिएटिनिन 16.3 आ गया सिर्फ 3 दिन में। तीन दिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आप जो दुनिया आयुर्वेद को स्लो बोलती थी, क्या कहना चाहोगे उनको? उसके लिए करना पड़ेगा, मतलब आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, तो सही आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को अपनाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको रिसर्च पेपर दिखाता हूँ, ये लैंसेट का रिसर्च पेपर है। हमारे हम किडनी के पेशेंट्स के लिए एक हेड डाउन टिल थेरेपी कराते हैं, जिसमें 10 डिग्री सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, वो लैंसेट में छप चुका है। इसके अलावा ये एक रिसर्च पेपर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी। इसके अलावा मैं आपको एक पेशेंट का DTP स्कैन और दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये कोई लड़की 36 साल की है, इनका GFR 8 था, ये देखिए ध्यान से 8 GFR था, लेकिन अभी 3 महीने के इलाज के बाद, ये 7 जनवरी की रिपोर्ट है, 3 महीने के इलाज के बाद इनका GFR जो हो गया वो 15.5 हो गया, 7.5 और 8, यानी कि किडनी ने डबल स्पीड से काम करना शुरू कर दिया। ये जो पानी की थेरेपी में लोग बैठे हैं, हमारे आयुर्वेद में चरक संहिता में 14 नंबर चैप्टर 44 नंबर श्लोक चरक संहिता में साफ साफ इसको अवगास वेदन लिखा गया है। और ये मेरे सामने एलिसिवियर का एक जनरल है, साफ कह रहा है इफेक्ट ऑफ वाटर इमर्शन और रीनल फंक्शन, कहने का मतलब किडनी फेल में गर्म पानी का टब काम करता है। ये रिसर्च पेपर भी इस बात की गवाही दे रहा है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस कराएं 100% आयुष कवर वाला कराएं, और हमसे ये तरीके सीख के घर पर खुद ही अपना इलाज करें, अपनी किडनी को जिंदा करें। लीवर फेल है तो भी, कैंसर है तो भी, ये पूरी बॉडी, ये किडनी, हमारी टीम, हमारा स्टाफ ठीक करने में, आपको समझाने में सक्षम है, बस आपको भरोसा करना होगा। तो हिम्स की तरफ से मैं चाहूंगा एक बार इस तरह पूरी वीडियो घुमा के दिखा दें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।